इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर A1 राधेपुरी कृष्णा नगर दिल्ली। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं शिपाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में आयोजित श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की भक्ति उल्लास से ओतप्रोत झलकिया। भारत की राजधानी दिल्ली के कृष्णा नगर राधेपुरी स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर के लिए ये कार्यक्रम गांधीनगर की धर्मधरा रघुवरपुरा स्थित DAV स्कूल अयोध्यापुरी के प्रांगण में 27 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरे दिन मनाए गए प्रभु जन्मोत्सव के अनुपम दृश्य। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के कृष्णा नगर राधेपुरी स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर का 27 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य गांधीनगर की रघुवरपुरा स्थित DAV स्कूल प्रांगण अयोध्यापुरी में परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन यानी जन्म कल्याणक पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। कहते हैं शांति धारा करने से जीवन में सुख शांति का वास रहता है। कुछ ऐसे ही मनोकामना लिए जैन उपासकों ने तीर्थंकर की शांति धारा कर मंगल भावना भाई। मुनि हरि का श्रावक श्राव चतुर्नाशनाय घाति गर्म विनाशनाय अघाति गर्म विनाशनाय अवादम अस्माकम् मृत्यु अतिगामम् रतिगामम् क्रोधम् अग्निभयम् सर्वशत्रुभयम् सर्वोपसर्गम् सर्वयजमानानन्दनम् सर्वदुःखम् हन हन दह दह पच पच पुट पुट शीघ्रम् शीघ्रम् ओम पट स्वाहा। शांतिधारा के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में तीन लोक के नाथ को विधि पूर्वक अर्घ्य समर्पित किए। अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम नरोपामिति स्वाहा। ओम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नरोपामिति स्वाहा। अयोध्या नगर में मेला लगा तार लगा है, पता चला है सिद्धों का दरबार लगा है। अयोध्या नगर में मेला लगा तार लगा है, ऐसी देख के छटा मन मोहनी, भक्ति से मन अकुला रहा मन झूम झूम के। श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम नरोपामिति अनर्घ पद प्राप्ति महार्घम पामति स्वाहा। श्री चंद्रनाथ तत चंद जनन चंद लगे मन वचितन जजत अमंत आत्म ज्योति जगे। श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम पामति पौष कृष्ण एकादश्याम जन्म मंगल मंडिता श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामति स्वाहा। श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामति स्वाहा। श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामति स्वाहा। श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय पूर्ण अर्घ्यम नृपामति स्वाहा। सोला कारण भावना बल जे तीर्थंकर पद पाए महान सकल इंद्र मिल गर्भ कल्याणक उत्सव करते दिव्य फाल्गुन शुक्ल अष्टम्यां सुषेण गर्भावतारिताय शंभवनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामति। ओम वैशाख शुक्ल षष्ट्यां सिद्धार्थ गर्भावतारिताय अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामति। सुमति सुमति सोला कारण भावना बल से तीर्थंकर पद पाए महान सकल इंद्र मिल गर्भ कल्याणक उत्सव करते दिवसे भाद्रपद शुक्ल षष्ट्यां वसुंधरा गर्भावतारिताय सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम नृपामति। अर्घ्यम नृपामति स्वाहा। सर्व कल्याणक प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते जयमाला पूर्णर्घ्यम नृपामति स्वाहा। इस बीच विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।
चित्र अनावरण के साथ ही समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों एवं आगंतुकों का स्वागत अभिनंदन किया, तो वहीं विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं। तभी उनका अचानक सिंहासन कंपायमान होता है। आश्चर्य से सौधर्म इंद्र सिंहासन से उठ जाती हैं। सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाती हैं और इसके बाद साष्टांग प्रणाम करती हैं। शचीन्द्राणी के पूछने पर अयोध्या में तीर्थंकर आदिनाथ के अवतरण की जानकारी देती हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। इधर अयोध्या में महाराजा नाभिराय के दरबार में शहनाइयां बज रही हैं और बधाइयां गाई जा रही हैं। तभी सौधर्म इंद्र दरबार में पहुंचते हैं। महाराजा नाभिराय से आज्ञा लेने के बाद सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी को तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। शचीन्द्राणी मायावी बालक को उत्पन्न कर प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। अगले क्रम में परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज ने जन्म कल्याणक प्रसंग पर प्रकाश डाला। पहले भी यदि घर में बालक का जन्म होता था, बाहर अग्नि रखी जाती थी, घर में कोई प्रवेश करता था, अग्नि पर पैर सेककर तब अंदर जाते थे कि बाहर के किसी प्रकार के कीटाणु गर्भगृह तक पहुंचे, किसी प्रकार की कोई अशुद्धि वहां पर ना हो, इतनी सुविधाएं आदि हुआ करती थी। आजकल हम लोग बच्चे का बालक का जन्म समझते ही नहीं कि किस प्रकार से जन्म आदि होना चाहिए, कितनी सुविधाएं आदि, कितनी हमें सुरक्षा करना चाहिए। इस बीच कार्यक्रम में पधारे माननीय विधायक श्री अनिल वाजपेयी जी एवं भाजपा के दिल्ली प्रवक्ता श्री राजीव जी जैन का स्वागत अभिनंदन किया गया, तो वहीं स्वागत के पश्चात विशिष्ट अतिथि द्वय ने अपना संबोधन भी दिया। भगवान महावीर स्वामी जी को आप पढ़िए, जैन धर्म को पढ़िए, उनकी वाणी को पढ़िए। आज पूरे विश्व में अशांति का माहौल है, चाहे यूक्रेन हो चाहे रूस हो, व्यक्ति एक दूसरे को मारने में लगा है, लेकिन सिर्फ भगवान महावीर स्वामी जी का दो शब्द का एक उपदेश, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। अगर हम लोग अपने जीवन में उतार लें और पूरा विश्व अगर उतार ले, मैं समझता हूँ कहीं भी अशांति का माहौल नहीं हो सकता। अब समय था चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज की अमृत वाणी का। गुरुवर ने काव्य धारा बहाते हुए प्रसंगों के माध्यम से जीवन के मर्म को कुछ इस तरह समझाया। दो कल्याणकों के जननी माँ है, कौन है? 9 महीने रखती है, कितने महीने? हाँ, जो माँ कहती है वही वो बालक कहता है। अगर कोई लाला दुकान में बैठा है, उसको भूख लग जाए, सेठानी घर में बैठ के खाना खाएगी, नाश्ता करेगी, उसका पेट भर जाएगा? जोर से बोलो, नहीं भरेगा। कोई बीमार है, उसके जगह कोई और दवाई ले ले, वो बीमारी ठीक हो जाएगी? करे कोई, भरे कोई,
ऐसे हो सकता है? ओम नमः, बोलो हे भगवान, बोलो। आप जब माता के गर्भ में होते हैं, पद्मासन में विराजमान होते, कौन से आसन में विराजमान होते? हाथ ऐसे करो, पद्मासन में विराजमान होते। जैसे भगवान है ना, ऐसे बैठो, भगवान जैसे बैठो, सीधे बैठो, ऐसे विराजमान रहते। अब शुरू हुआ जन्म कल्याणक प्रसंग। शचीन्द्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय के बाद प्रभु को सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। हे सची, अब तरसाओ मत, समय भी देखो, हम सभी को प्रभु का प्रथम अभिषेक करना है। तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जुलूस के रूप में पांडुक वन की ओर प्रस्थान करती हैं। बैंडबाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में सवार जैन परिवार, धर्मध्वजा लिए जिनेन्द्र भक्त, जैन धर्म के सिद्धांतों का संदेश देती झांकियां एवं उत्साह से सराबोर श्रद्धालु शोभा यात्रा को भव्य दिव्य बना रहे थे। शोभायात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पश्चात प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। प्रभु का जन्माभिषेक करने के उपरांत शची इंद्राणी एवं अन्य सौभाग्यशाली श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक को श्रृंगार एवं वस्त्राभूषणों से सुशोभित किया और आरती उतारी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने हवन में आहुतियां देकर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। Thank you.
हवन के बाद संगीत बद्ध वातावरण में श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर अपना जीवन धन्य किया। इधर विशिष्ट जनों ने प्रभु से सुशोभित पालने का अनावरण किया, तो वहीं विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। शंखल मन के क्रंदन को यह चंदन करने तुम आए। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की। श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। प्रभु को पालना झुलाने के साथ ही शची इंद्राणी एवं अन्य सौभाग्यशाली श्रेष्ठियों ने बधाई गीत नृत्य से वातावरण में भक्ति आनंद का रस घोल दिया। दर्शकों, भी आप देख रहे थे दिल्ली की प्रसिद्ध कॉलोनी गांधीनगर के रघुवरपुरा स्थित डीएवी स्कूल प्रांगण अयोध्यापुरी में 27 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित कृष्णानगर राधेपुरी स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर के श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम की श्रृंखला में 29 जनवरी के आनंद प्रदायक दृश्य। इस कार्यक्रम में जिनेन्द्र भक्तों ने परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान का भी अर्जन किया। हम कल पुनः आपसे भेंट करेंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। दर्शकों, मेरे पास आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। फरवरी में होने वाले 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए दर्शकों के पॉपुलर डिमांड पर जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन की डेट फरवरी तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप में से जिन्होंने अभी तक अपना ऑडिशन वीडियो हमें नहीं भेजा है, उनके लिए वाकई एक सुनहरा मौका है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर आप बिना कोई समय गवाए अपना ऑडिशन वीडियो तुरंत हमें भेजें। आप अपनी एंट्री हमें जिनवाड़ी चैनल ऐप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और हाँ, अपनी आवाज को पहचान दिलाने के साथ साथ सुरविद्या का ये दूसरा सीजन आपको दे रहा है एक चमचमाती लग्जरियस ब्रांड न्यू कार, लाखों की धनराशि और सोने चांदी के अनलिमिटेड गिफ्ट्स जीतने का एक सुनहरा मौका भी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है इस बार। तो आप वीडियो भेजने की तैयारी शुरू कीजिए और मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर एवं राधेपुरी कृष्णानगर दिल्ली।